प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। अलकलम एजुकेशन सिस्टम हरियाणकोट की तरफ से खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, कल हमने इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स टॉपिक पढ़ाया था, आज हमने फिज़िकल क्वांटिटीज़ पढ़ाना है। फिज़िकल क्वांटिटीज़ कैसे कहते हैं? हर वो तमाम क्वांटिटीज़ जिसको हम मैयर कर सकते हैं, जिसको हम नाप सकते हैं, जिसकी हम पैमाइश कर सकते हैं, उसे हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। इसका डिफिनीशन यू है, ऑल द क्वांटिटीज़ दैट कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। फॉर एग्जांपल, लेंथ ऑफ बुक, बुक की लंबाई, बुक की लंबाई हम नाप सकते हैं, इनकी पैमाइश कर सकते हैं, तो लेंथ इसी वजह से फिज़िकल क्वांटिटी है। सिमिलरली, ड्यूरेशन ऑफ क्लास, ड्यूरेशन ऑफ क्लास भी हम मेजर कर सकते हैं, तो सिमिलरली टाइम भी हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटी के ज़िम्रे में आता है। सर, टाइप्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़, हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ के मेन दो टाइप्स हैं। नंबर फर्स्ट, बेस क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ जिसके बुनियाद पे बाकी क्वांटिटीज़ डिफाइन होते हैं या और एक्सप्रेस होते हैं। दोज़ क्वांटिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑल अदर क्वांटिटीज़ आर डिफाइंड एंड एक्सप्रेस्ड आर कॉल्ड बेस क्वांटिटीज़। फॉर एग्जांपल, हमारे पास टोटल 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं। लेंथ, मास, टेम्परेचर, टाइम, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड करंट। दूसरा, डिराइव्ड क्वांटिटीज़। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हर वो क्वांटिटीज़ है जो बेस क्वांटिटी से अखज़ किए गए हो या बेस क्वांटिटी की वजह से वो डिफाइन किए गए हो, उसको हम डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कहते हैं। दोज क्वांटिटीज़ विच आर डिफाइंड इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। फॉर एग्जांपल, वॉल्यूम, स्पीड, वर्क, एनर्जी एटसेट्रा। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की डिफिनीशन ये है, अ कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स फॉर ऑल फिज़िकल क्वांटिटीज़। तमाम फिज़िकल क्वांटिटीज़ के यूनिट्स का वो मुकम्मल सेट को सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं। और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स SI से डिनोट करते हैं, और इसमें टोटल 7 बेसिक यूनिट्स हैं और बाकी अदर डिराइव्ड यूनिट हैं। बेसिक और बेस यूनिट कैसे कहते हैं? तमाम बेसिक फिज़िकल क्वांटिटीज़ के यूनिट को बेस यूनिट कहते हैं हम। फॉर एग्ज़ाम्पल, लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर। मीटर को हम M से जाहिर करते हैं, डिनोट करते हैं। मास, किलोग्राम, केजी से। टाइम, सेकंड, एस से। इलेक्ट्रिक करंट, एम्पेयर, ए से। टेम्परेचर, केल्विन, के से। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल से। यहाँ पर आप लोगों ने ये याद रखना है कि यहाँ पर हमने ये नहीं लगाना। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला, सीडी से जाहिर करते हैं। डिराइव्ड यूनिट्स वो यूनिट्स हैं जो बेस यूनिट से अखज किए जाते हैं, जो बेस यूनिट को कंबाइन करके बन सकते हैं, उसे हम डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एरिया का यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर। मीटर क्या है? हमारे पास लेंथ का यूनिट है, और लेंथ हमारे पास बेस फिज़िकल क्वांटिटी है, और मीटर भी बेस यूनिट है, तो लिहाजा ये बेस यूनिट से बना है एरिया, और एरिया हमारे पास डिराइव्ड यूनिट में आता है मीटर स्क्वायर। सिमिलरली वॉल्यूम भी इसी तरह। लेट्स मूव टूवर्ड साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन, जब हम एक नंबर को इन द पावर ऑफ 10 लेके, तो इसको हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, 1000 है, 1000 को इन द पावर ऑफ 10 लेकर गया, तो इसको हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। साइंटिफिक नोटेशन के कुछ रूल्स हैं। इसमें पहला रूल ये है, राइट डेसिमल पॉइंट आफ्टर द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। डेसिमल पॉइंट को हम पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के राइट साइड पे लिखेंगे। दूसरी बात ये है
कि अगर डिसिमल पॉइंट को हम दाएं तरफ से बाएं तरफ मूव करते हैं तो पावर ऑफ 10 पॉजिटिव आएगा। फॉर एग्जांपल 1000 है, 1000 में से मैं राइट से लेफ्ट की तरफ जाता हूँ तो मेरे पास पावर क्या आ गया, 10^3 आ गया। 1, 2, 3 मैंने डिसिमल पॉइंट को 3 पॉइंट तक मैंने मूव कर दिया फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो लिहाजा मेरे पास 10^3 आ गया। तीसरा रूल ये है, इफ द डेसिमल पॉइंट इज मूव्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देन द पावर ऑफ 10 विल बी नेगेटिव। अगर डेसिमल पॉइंट को मैं लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करूं तो मेरे पास पावर ऑफ 10 क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये मेरे पास 0.001 है, मैं लेफ्ट से राइट की तरफ आता हूं 1, 2, 3 तो मेरे पास पावर ऑफ 10 क्या आ गया, 10^-3। इस पर कुछ एग्जाम्पल्स है, बुक्स में भी दिए हुए हैं। एग्जाम्पल नंबर 1.1, एग्जाम्पल नंबर 1.1 में एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज 38.44 crore राइट इन साइंटिफिक नोटेशन। इनको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, लिहाजा मैंने डेसिमल पॉइंट को राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करना है और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद हमने ये लगाना है डेसिमल पॉइंट को, तो क्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 3.8448 meter आएगा। ये पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आ गया, क्यों, क्योंकि हमने राइट से लेफ्ट की तरफ डेसिमल पॉइंट को मूव कर दिया। सिमिलरली एग्जांपल 1.2, एग्जांपल 1.2 में ये हमसे मांगते हैं कि पूरे साल में सेकंड कितने होते हैं, ये भी मालूम करें। और दूसरा, जब आप ये मालूम करें तो फिर इसको साइंटिफिक नोटेशन यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख ले। तो वन ईयर में आप लोगों को पता है 365 डेज होते हैं, वन डे में 24 आवर होते हैं और वन आवर में 60 मिनट होते हैं और वन मिनट में 60 सेकंड होते हैं। सॉरी, ये मैंने मिनट लिखा है, हालांकि ये सेकंड है, ठीक है। इन सारों को ज़रब देके तो हमारे पास आएगा 3153600। तो आप देख लें, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो मैं डेसिमल पॉइंट को राइट से लेफ्ट की तरफ लेके जाऊंगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जब मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि जब राइट से लेफ्ट की तरफ हम जाते हैं तो हमारे पास पावर ऑफ 10 क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एग्जांपल 1.3, एग्जांपल 1.3 में हमारे पास द स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल इज़ द डाई एटॉमिक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एक स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल है और इन दो हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड लेंथ है वो हमारे पास क्या है, 0.00000074 meter है। इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो इसमें क्या है कि हम लेफ्ट से राइट की तरफ आ रहे हैं, जब लेफ्ट से राइट की तरफ आते हैं हम तो क्या होगा, हमारे पास पावर ऑफ 10 माइनस में होगा 7.4 × 10^-11। प्रीफिक्सेस, प्रीफिक्सेस क्या चीज़ है, प्रीफिक्सेस जब हम पावर ऑफ 10 को कोई ख़ास एक पर्टिकुलर नाम दे दें तो इस तो ये क्या हो बन जाता है, प्रीफिक्स बन जाता है और हम इसको प्रीफिक्स कहते हैं। गिविंग अ पर्टिकुलर नेम टू द पावर ऑफ 10 आर कॉल्ड प्रीफिक्सेस। फॉर एग्जांपल एक्सा 10^8 ई, बीटा 10^7 टेरा टी, गेगा 10^5 मेगा 10^4 किलो 10^3 हेक्टो 10^2 डेका 10^1 डीसी 10^-1 सेंटी 10^-2 मिली 10^-3 माइक्रो 10^-6 नैनो 10^-9 पीको 10^-12 फेमटो 10^-15 ऑटो 10^-18 ये सारे हमारे पास क्या है, प्रीफिक्सेस है और ये पावर ऑफ 10 है। पावर ऑफ 10 को हमने नाम दिया, उस नोन नाम को हम क्या कहते हैं, प्रीफिक्सेस। एग्जांपल 1.4, एग्जांपल 1.4 में ये कहते हैं कि हमारे पास एक बैक्टीरिया है, इसका मास क्या है 2.0 फेमटोग्राम, इसको हमने किलोग्राम में कन्वर्ट करना है।
फेमटोचोन के हमारे पास 10^-15 है और केजी हमारे पास 10^+3 है। केजी बड़ा है फेमटो से। और ये बात याद रखें, जब हम बड़े छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाते हैं तो बड़ा यूनिट हम छोटे यूनिट पे डिवाइड करेंगे। मास हमारे पास 2 फेमटोग्राम है, एज 1 फेमटोग्राम हमारे पास क्या आएगा, 1×10^-15 ग्राम। और 1 kg में कितना होता है, 1×10^3। जैसा कि मैंने आपको बताया कि छोटा यूनिट को हम डिवाइड करेंगे बड़े यूनिट पे जब हमने छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाना हो। तो लिहाजा मैंने 2×1×10^-15 डिवाइडेड बाई 1×10^3 डिवाइड कर दिया, ये पावर ऊपर आ गया तो क्या बन गया, 10^-15 -3 बन गया, 2 अपनी जगह आ गया, × 10^-18 किलोग्राम आ गया। इसी वजह से हमने फेमटोग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया।